स्नैप लगा क्या है, हम जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन करने बाबा श्याम के, और भाई रेडी है, भाई और भाई का बैग रेडी हो चुका है, मेरा बैग इधर रखा हुआ है, फाइनली हम रेडी है। सितेश आ रहा है जो हमको अरविंदो छोड़ देगा, जहाँ से हमारी बस है, हमारा बस का पिकअप पॉइंट है अरविंदो, हमारी बस वहाँ से रहेगी। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी, हम वेट कर रहे हैं सितेश का, सितेश 10 मिनट में आ रहा है, फिर वो हमको अरविंदो तक ड्रॉप कर देगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे। बस हम जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा खाटू श्याम तक। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और कमेंट करके हमें बताओ, और जो न्यू मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली है सबको शेयर कर दो, ठीक है, मिलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए। फाइनली निकल गए भाई यू मैं और ये सितेश आ गया है, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम और सितेश आ गया मेरे को ड्रॉप करने, अरविंदो जहाँ से मेरी बस है फटाफट से इसके साथ चलते हैं, और फिर ये अरविंदो हमको ड्रॉप कर देगा। 5 मिनट में छोड़ दूंगा, देखा 5 मिनट में छोड़ देगा वो, 2 मिनट में छोड़ दूँ। नहीं भाई ये तो उड़ के नहीं जाना है हमको ना, क्या मेरे को क्या करना है, ठोकना ही तो है, हाँ ये भी सही बात है। भाई देखो इसने इतना फास्ट लेके आया है, ये लौकिक पहुँचाते हैं 5-7 मिनट के अंदर, लौकिक पहुँचा दिया टाइम भाई ने, इतना फास्ट चलाया ना गाड़ी, 15 मिनट में सही में यहाँ पहुँचा दिए। अरे आदत है देख रहे हो भाई, ये होता रहता वहाँ बैठे, सही है। तो ये फाइनली यहाँ पे मेरे को पहुँचा दिया, यहाँ से छोड़ के घर निकल जाएगा क्योंकि इसका घर इधर ही है। तो फिर हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं बस में बैठने के बाद, ओके। आधे घंटे से यहाँ रोक के रखे हुए हैं गाड़ी को, कोटा में गाड़ी रुकी हुई है, आधे घंटे हो गए हम यहाँ से कोटा पर रुके हुए, जयपुर का बोर्ड लगा हुआ है, और जयपुर के भाई लोग ऐसे घूम रहे हैं, विंडो में से भाई लोग सर निकाल के बैठे हैं, ये भाई इधर खड़ा हुआ है, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे आधे घंटे से। अरे अभी नींद खुली देखने के लिए, मतलब क्या सीन है भाई, तो गाड़ी तो खड़ी हुई है बस, और ये चल रही है, अच्छा कुछ माल वाल चल रहा है क्या, अच्छा ओके दिखा दिखा मेरे को कैमरे में दिखा, ऊपर को सामान चल रहा है शायद, पार्सल वगैरह है चल रहा है या उतर रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ओके नो इशू, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि अभी भी 3 बज रहे हैं रात के, 3:30 हो रहे, 3:30 हो रहे हैं अभी, तो खाटू पहुँचने में खाटू में 9:30 बजे, मतलब अभी 6 घंटे हमें खाटू पहुँचने में, तो रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कल दिन में हमको ट्रैवलिंग करना रहेगा, तो थकान होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ अभी, फिर हम करते हैं आपसे बात खाटू पहुँच। फाइनली हम लोग निकल गए कोटा से, अब तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है मेरी भाई, यार ये व्यू देखने लायक है, शानदार व्यू है एकदम, ये भाई शॉप्स हैं ये, इतने प्यारे प्यारे तरीके से शॉप की डिज़ाइन की गई है, पिंक पिंक इस कलर में, अभी तो हम जयपुर पहुँचे भी नहीं है फिर भी हमको पिंक पिंक सी चीज़ दिख रही है, कितना प्यारा व्यू है यार, नाइट का सीन सही है बहुत प्यारा है, खैर अभी तो इतनी राय थी कि क्या ही बता दूँ, मैं हिल के वो हिल गया हूँ मैं पूरा, सर्दी हो गई है मेरे को, एक तो बारिश हो रही है, कहीं पर भी पानी गिर रहा है कुछ हो रहा है, वही जयपुर वाले रूट ले जाएंगे क्या अपन को भाई, ये क्या है भाई, व्यू तो यार शानदार ही है यार, ये क्या है, अच्छा ये गोल गोल के घुमा रहे हैं, आई लव कोटा भी दिख रहा है सामने, आई लव कोटा हमने देख लिया यहाँ पर, ये बस स्टैंड है क्या, यहाँ बस स्टैंड खड़ा है भाई, यहाँ पे मैं 2 बार घूम चुका हूँ राउंड, हाँ अभी बता रहा हूँ सच्ची, 2 राउंड घूम लिया मैंने यहाँ पे, फिर घुमाया इन्हें नीचे फिर डाला, अब ऊपर से चल रहे यार, क्या कर रहा है, कोटा से निकल रहे भाई, ये देखो ये
स्कूटर निकलते रहा, वैसे लेक व्यू टाइप का व्यू दिख रहा है, लेक है, ऊपर से ब्रिज है। अब मेरे को नदी वदी का नाम इतनी रात में पता नहीं, और कोई बताने वाला भी नहीं है ना, तो पूछना मत कि कौन सी नदी थी। हेलो, तुम लोग कमेंट नहीं, कमेंट तो करते नहीं, फ़ोन लगा के पूछते रहते कौन सी क्या थी क्या नहीं, तो ढूंढ लो सर्च कर लो, पर मेरे को तुम बता देना क्या था। क्योंकि रात में 3 बजे उठ के सिर्फ मैं क्लिप शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा दिख रहा है। भाई बहुत फास्ट ले जाता है। फाइनली हम ऑलमोस्ट जयपुर पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो बस स्टैंड जाकर हमारा स्टे वगैरह का सीन कैसा क्या देखते हैं, क्योंकि मे बी 30 मिनट्स का स्टॉप रहेगा मेरा, इसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होना है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, उसके बाद खाटू श्याम के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं अभी क्या, अभी तो ये जयपुर में, क्योंकि जयपुर तो हम शायद तक इवनिंग में आएंगे रिटर्न में, तो अभी हम सीधा जो 30 मिनट्स का हमारा स्टॉप है उसको, वो उसके बाद हम लोग खाटू श्याम निकले, क्योंकि हमारा मेन दर्शन खाटू श्याम जाने के लिए। जयपुर का मिटर में जो थोड़ा बहुत होगा तो विजिट करेंगे, कोई टाइम रहा तो, टाइम नहीं रहा तो हम लोग फिर सीधा निकल जाएंगे। ये एयरपोर्ट है क्या? हाँ ये एयरपोर्ट है। तो प्लेन का प्लेन इतना ओपन है जयपुर का एयरपोर्ट, इतना ओपन में ना रनवे वगैरह है। फाइनली जयपुर पहुंच गया, जयपुर में बस रुकी हुई है, फ्रेश वगैरह होने गए हुए थे, फ्रेश होके आ गए हैं अभी, तो अब जा रहे हैं कि नाश्ते के लिए, देखते हैं मॉर्निंग में कहीं नाश्ते के किस साइड है, तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। ओके जी, हो गई थी फ्रेश वगैरह, हो गया बस में आके वापस बैठ गया, नाश्ता बाहर मिल गया था, बट उतना खा नहीं रहा, तो मैं जलेबी लेके आया था किसके लिए, भैया को लेता, भैया ने जलेबी खा ली है अपनी, फिर बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको ना। देखो हमको सुबह भैया के लिए यही मिला, तो भैया ने अभी नाश्ता कर लिया है, जो पिंक पिंक पहन के बैठे हैं पूरे, नाश्ता कर लिया है, नाश्ता किए, नाश्ते में जलेबी खाई है उन्होंने, जलेबी खा के बस बैठे हुए, धूप धूप आ रही है, धूप सेक रहे हैं, बस अभी चलने में टाइम है यहाँ से, शायद बस चलती है, तो फिर हम चलते हैं, फिर खाटू श्याम पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं भैया और हम। ठीक है भैया, भैया टाटा कर दो सबको, बोला हम खाटू श्याम में मिलेंगे आपसे। तो ये भंडारा चल रहा है पिंक सिटी में, और देखो भैया बैठे हैं यहाँ पे अपने भंडारा, देख भंडारे के दर्शन कर रहे, देखा देखो 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 मंदिर को, मंदिर क्या मंदिर क्या मंदिर क्या, मस्त यहाँ विंडो पे बैठ गए हैं और सब चीज घूमते हुए जा रहे हैं। हम खाटू श्याम पहुंच गए हैं, भैया और मैं ये बैठे हुए, हम रिक्शा बैठे हैं, रूम के लिए बात की है, बट रूम जाने से पहले हम तोरण द्वार में फोटो वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि फिर उसी मंदिर दूसरे साइड है, तो हमने बोला कि हमने फोटो वीडियो लिया नहीं, तो भैया को बोला, तो भैया बहुत अच्छे है, वो हमारे फोटो वीडियो करने के लिए जा रहे हैं साथ में, तो वहाँ जाके फोटो वीडियो ले लेते हैं फटाफट से, और फिर चलते हैं होटल, चेंज नहाते हैं, चेंज करते हैं, फिर चलेंगे खाटू श्याम के दर्शन करने। तो ये हम पहुँच गए हैं, खाटू वाले के दर्शन करने भैया और मैं आ चुके हैं, यह तोरण द्वार यहाँ पर अभी हमें, यहाँ से जा रहे हैं हम होटल, फिर वहाँ का दर्शन करके निकलेंगे। तो भाई खाटू श्याम के हॉस्पिटल को दिखलाएंगे, नाग
लिया है फटाफट से जाके, ये कपड़े पड़े हुए, ये भयू भयू भी रेडी है बस नहाने के लिए, भयू के कपड़े निकाल दिए मैंने फटाफट से, मैं नहा चुका हूँ, भयू को नहला देता हूँ। ये देखो कपड़े पूरे बिखरे हुए, तो ये भयू का आइटम इधर है, मेरा आइटम उधर है, ये दोनों के लिए, ये भयू के लिए वो मेरे लिए, या है ना। तो मैं नहा चुका हूँ और भैया की बारी है, भैया को फटाफट से लाके कपड़े चेंज कर देते हैं और उनका सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं और मेरा भी, और फिर फटाफट से चलते दर्शन करने। ओके हो गए हमारे, कितने प्यारे लग रहे ना भैया, भैया शाम के दर्शन करने के लिए रेडी है। तो फाइनली देखो मैं फॉर्मल पहन के रेडी हो गया हूँ, भाई साहब भी रेडी है हमारे, देख लो भैया रेडी हो चुके हैं, तो मैं भी भैया के साथ फॉर्मल पहन के रेडी हो गया हूँ। अब फाइनली अब निकल रहे हैं मैं रूम से, होटल के रूम से निकल रहे हैं हम, शाम के दर्शन करने, शाम जी के दर्शन करने भैया जा रहे हैं। कैसी लगे नई ड्रेस, एकदम नई ड्रेस लाया उन्होंने भाई शाम जी से मिलने के लिए, ये ड्रेस पहन के जा रहे हो शाम जी से मिलने, अब फटाफट निकलेंगे यहाँ से। अरे चलो भाई, आर्मी के जवान लोग आ रहे हैं शाम बाबा के दर्शन करके। गर्मी वक्त लोगों को गर्मी हो ना हो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से स्प्रे चल रहे हैं पानी के, ताकि यहाँ पे गर्मी का एहसास ना हो। और अभी आरती का समय चल रहा है, इस वजह से पूरी रोड लाइन रुकी है। अभी जाते समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब थक भी गए थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हम जा रहे हैं और ई रिक्शा से जा रहे हैं हम होटल। खाटू श्याम के दर्शन हो गए हैं, वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है, तो अब हम यहाँ से खाटू श्याम से अलविदा ले रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं सालासर के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, टाटा बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।